हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपको टेलीग्राम चैनल का नाम जानना है। तो गाइस, मैंने जो ना कम्युनिटी में पहले से पोस्ट करके रखा है अपना टेलीग्राम का चैनल वगैरह, चैनल का लिंक नहीं क्या, तो वहाँ पर जाकर आप सीधा ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। एंड वैसे चैनल का नाम वांगशन हॉट FF है टेलीग्राम वाले, ठीक है। देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी एंड विंग, आयुआन, चिंगी, मैडम लान, मिस्टर लान सारे लोग मिलकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुके थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे ब्रेकफास्ट नॉर्मली चल रहा था, जहाँ पे विंग आयुआन को बता रहा था, बेबी आराम से खाओ, तो वो कहता है हाँ हाँ मम्मा मैं खा रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, क्योंकि आयुआन बहुत ज़्यादा खाना गिरा रहा था खाते हुए, इसके कारण। आयुआन बस 3 साल का है और चिंगी भी सेम 3 ही साल का है, ठीक है। तो वो दोनों जस्ट खा रहे थे, बट दोनों के हाथों से कुछ ना कुछ गिरते ही जा रहा। मैं सब जो रहता है ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खाना खाते हुए मैसी अरे यार सब कुछ बिगाड़ देते हैं, वही सेम, तो वही चल रहा था, ठीक है। तो हमारा तभी मिस्टर लान कहते विंग कहते हाँ, तो मिस्टर लान कहते कि हमें लगता है अब तुम वापस आ गए हो, एंड देन तुमने मेरे बेटे को एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम अब, विंग कहते क्या क्या, तो कहते कि तुम्हें मेरे बेटे से शादी कर लेनी चाहिए। विंग जस्ट शॉकिंगली उनको देख रहा, शादी, तो वो कहते कि हाँ, क्या तुम हमारे बेटे से शादी नहीं करना चाहते हो? हाँ, विंग कहता हाँ वो तो करना चाहता हूँ, बट मैं उससे बड़ा हूँ ना। तो मिस्टर लान कहते विंग हमें नहीं जानना है तुम कितना बड़े हो कितना नहीं, बस हमें इतना पता है कि हमारे बेटे ने तुम्हें अपना ओमेगा मान लिया है, इसका मतलब यही हुआ कि हमें भी हमारे बेटे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो जो चाहता है, क्योंकि हम हमारे बेटी की खुशी में ही खुश हैं, समझे विंग, तो इसलिए बस अगर तुम खुश हो तो तुम्हारी हम शादी करवा देंगे लाजान के साथ। अंकजी कहते हाँ डैड जल्दी जल्दी करा दीजिए, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। विंग उसे देखता है और कहता है क्या क्या कहा तूने, क्या कहा तुमने? तो वंग जी कहते हैं क्या हुआ है विंग, शादी की तो बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो विंग कहता है बट अगर हम दोनों की शादी होती है तो सोचो। जहाँ पे वंग जी कहता है क्या क्या सोच रहा है विंग, मुझे बताओ। विंग कहता है तुम्हें लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो वंग जी कहते हैं क्या कहेंगे, इतना हैंडसम, इतना क्यूट ओमेगा मिला है तुम्हें, ये कहेंगे? वंग जी ऐसे बोलता है ना, विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है ओ अच्छा ऐसा। तो वंग जी कहता है कि हाँ क्यों तुम्हें नहीं लगता है विंग, क्या कोई मुझे ऐसा बोलेगा करके? विंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, ऐसे कहता है। और विंग कहता है अभी मुझे जाना होगा। तो वंग जी कहते कहाँ? तो विंग कहता है मैंने जो घर रेंट पे लिया है तो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करने। तो वंग जी कहते किस तरह के? तो विंग कहता है कि वो एम्ब्रॉयडरी वर्क का जो काम करता है करके, कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाता है करके एंड उन्हें बेचता है करके। तो वंग जी कहते ओ तुम ये सब काम करते हो? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वंग जी कहते चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विंग कहता किस लिए? तो वंग जी कहते तुम्हारे घर जाने के लिए। तो विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकता हूँ। वंग जी कहते बिल्कुल भी नहीं, माय ओमेगा मैं तुम्हें कहीं पे जाने नहीं दूंगा, खुद से दूर तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाते, जब तक तुम मेरे नहीं हो जाते हो तब तक, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना, आयुआन, जिंगी और वांग जी, ये चारों मिलकर जस्ट विंग के घर में आते हैं, जहाँ पे विंग का छोटा सा घर था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 1 BHK का घर था छोटू सा, जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग दरवाजे को ओपन करता है। देन ये सभी लोग मिलकर अंदर आ चुके थे। अंदर पहुँचने के बाद हमारा वांग जी इस घर को देखता है, जहाँ पे अभी ज़्यादा चीज़ें रखी नहीं थी, नॉर्मली कुछ चीज़ें रखी हुई थी। विंग जस्ट अपने काम को, काम की जो चीज़ें थी ना उन्हें उठाता है। देन उसके बाद जो अपने फ़ोन को निकालता है और मोशांशु को कॉल करता है और पूछता है कि अब कितने कितना ऑर्डर है। तो वो मोशांशु बताता है कि अभी फ़िलहाल कोई ऑर्डर नहीं है, तुम रिलैक्स करो, ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे सेंड कर दिए तुम्हारे अकाउंट में, तो चेक कर लेना, ठीक है। तो विंग बस हामे से हिलाते हैं। तभी वांग जी कहते कौन है विंग? तो विंग कहता वो मोशांशु। तो वांग जी कहते मोशांशु कौन? तो विंग कहता वो मेरा दोस्त है। तो वांग जी कहते दोस्त? विंग कहता कि हाँ मेरा दोस्त, वो एक ओमेगा है, ठीक है। तो वांग जी ऐसे कह, वांग जी जब सुनता है ना तो कहते ओ अच्छा अच्छा ठीक है। तो विंग कहता कि हाँ तुम बताओ क्या। और वांग जी कहते वैसे विंग ये घर भी तो बहुत प्यारा है ना? तो विंग कहता कि हाँ बहुत प्यारा तो है, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी मुझे बट अभी फ़िलहाल नहीं लूँगा। तो वांग जी कहते क्यों? विंग कहता है कि क्योंकि तुम शायद से मुझे अपने साथ लेके जाओगे या मुझे यहाँ पे अकेले रहने दोगे, बताओ मुझे। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे अकेले तुम्हें रहने नहीं दे सकता हूँ, समझे। विंग बस हाँ में सिर लाता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, ऐसे कहता है। तभी आयुआन कहते माँ,
मम्मा मुझे भूख लगी है, तो विंग कहता भूख लगी है, तो हयान कहता है कि हाँ मुझे भूख लगी है। तो विंग जस्ट अपने फ्रिज में जाकर देखता है जहाँ पे सामान खत्म हो चुका था। विंग कहता है ओह मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके आता हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगा ठीक है। तो वांग जी कहता है ग्रोसरी शॉपिंग, तो विंग कहता है कि हाँ ग्रोसरी शॉपिंग मैं करके आता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं चलो साथ में चलते, विंग कहते क्या तुम भी चलोगे? तो वांग जी कहते हैं हाँ तुम जहाँ मैं वहाँ माय ओमेगा, ऐसे ही जो ना वांग जी कहते हैं, जिसके कारण हमारा विंग कहते नहीं नहीं मैं लेके आ सकता हूँ, तुम दोनों बच्चों का घर पे ख्याल रखो। वांग जी कहते बिल्कुल भी नहीं, हम चारों भी जाएंगे और वहाँ पर जाकर शॉपिंग करेंगे समझे, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो है ना विंग को मानना पड़ता है। जिसके बाद वांग जी कार निकाल रहा था, विंग कहते कार की ज़रूरत नहीं है पास में ही है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, और वांग जी और विंग अपने दोनों बच्चों को हाथ पकड़ते चल, दोनों बच्चे बीच में चल रहे थे और वांग जी और विंग दोनों साइड में चल रहे थे। एंड वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ चल रहे थे, बहुत सारे लोग देख रहे थे कितने क्यूट ये फैमिली लग रही थी, उनके दोनों बच्चे कितने ज़्यादा क्यूट थे, एंड ऊपर से ये ओमेगा अल्फा भी क्यूट थे। बट वो विंग को अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे थे ना, क्योंकि विंग का एज हो चुका था तो साफ साफ थोड़ा बहुत नज़र आता था इसके कारण। तो कुछ कुछ लोग रहते ना कहते कि ये कैसी फैमिली है, हाँ वो ऐसे कहते हुए जो ना आगे जा रहे थे, ठीक है आगे जा रहे थे। विंग और वांग जी जब ग्रोसरी शॉप में पहुँचते हैं ना, तो विंग जस्ट ट्रॉली को लेता है, देन वो चला जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ करूँगा, विंग कहता है कि उन्हें कुछ चीज़ें खरीद कर मत देना, उनको बिगाड़ना मत समझे ना, आयुआन बेबी डाडा को परेशान मत करना। तो आयुआन कहते हैं कि यस यस मोम, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए साइड में आ चुका था, और वो लोग जो ना जहाँ पे बेबीज़ खेलते हैं आई मीन टॉय सेक्शन जो रहता है ना, वहाँ पे आ चुके थे वांग जी के साथ। आयुआन एंड जिंगी वहाँ पे थे। विंग को हम देखते हैं, विंग जस्ट शॉपिंग कर रहा था, अचानक से विंग को जो ना नूडल्स का पैकेट जो था ना वो उठाता है, तो कोई इंसान उस नूडल्स के पैकेट को वो भी उठाता है और बस विंग को देखता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और जल्दी से अपने हाथ को पीछे ले लेता है और आई एम सॉरी और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो इंसान कहता है विंग, वो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ने लगता है, और फिर भी वो इंसान विंग के पीछे पीछे चलते विंग विंग ऐसे कहता है, बट विंग रुक नहीं रहा था, इसलिए वो इंसान विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है विंग क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो आखिरकार क्यों, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना जस्ट पलट कर दे, एक्सक्यूज मी आप शायद गलत इंसान को बोल रहे हो, मैं कोई विंग नहीं हूँ। तो वो कहता है कि विंग झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम विंग हो करके। हाँ विंग उसे देखता है और कहते मैं कोई विंग नहीं हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद जो ना उस इंसान के हाथ से हाथ छुड़ा कर आगे जाने लगता है। तभी वो इंसान कहते हैं विंग ऐसा मत करो, हाँ तुम कैसे मुझे भूल सकते हो। विंग उसे देखता है, बस इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पे हम उसी इंसान को देखते हैं, जहाँ पे वो इंसान जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है, देन किसी को फ़ोन करके बताता है। उसके बाद जो है ना हम विंग को हमारे वांग जी के पास देखते हैं, जहाँ पे विंग शॉपिंग करने के बाद आकर जल्दी जल्दी कहता है कि चलो जल्दी चलो ना यहाँ से जल्दी। तो वांग जी कहते हैं क्यों विंग क्या हुआ है? तो विंग कहते जल्दी चलो। तो वांग जी कहते जल्दी करने के बाद क्या दोगे तुम मुझे? विंग वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी हाँ हाँ मैं ठीक है जल्दी कर रहा हूँ ऐसे कहते हैं। देन वांग जी जाकर वहाँ पे अपने कार्ड को दे रहा था, बट वहाँ पे ब्लैक कार्ड को देख के वो ओनर जो था ना वो शॉकिंगली देख रहा था। तो ओनर कहते कि क्या ये आपका है? तो वांग जी कहते कि हाँ क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या, ये यहाँ पे नहीं चलता है? तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसे कहता है। और वांग जी के हाथ से वो ब्लैक कार्ड ले लेता है, एंड देन उसके बाद ब्लैक कार्ड से वो पेमेंट कर देता है। जहाँ पे वो ओनर जस्ट विंग वांग जी को देख रहा था और वो समझ जाते कि ये लोग उनके VIP कस्टमर है, आगे से उनको ध्यान रखना है करके। और विंग और वांग जी जस्ट बाहर निकल रहे थे, आयुआन और जिंगी भी, और विंग जल्दी जल्दी चल रहा था इसके कारण वो किसी से टकरा जाता है, किसी से टकराने के कारण विंग आई एम सॉरी सर सॉरी ऐसे कहता है। देन सामने की ओर देखता है, सामने वाली लेडी जो थी ना बस वो विंग को देख रही थी। जहाँ पे विंग बस उन्हें देखता है और जल्दी से जो ना वहाँ से पीछे हो जाता है और अपने वांग जी और आयुन बच्चों को पकड़ कर जल्दी जल्दी जाने लगता है। तभी वो लेडी कहती विंग ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग तभी रुकता है, जहाँ पे वांग जी थे विंग वो क्या है तुम्हें जानती है? जहाँ पे विंग शांत था वो जस्ट कहती कि विंग क्या तुम मुझे इस बार भी इग्नोर करोगे? हाँ क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई इसलिए तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो? हाँ जहाँ पे हमारा विंग जस्ट टर्न होता है और कहता है कि सॉरी बट मैं विंग नहीं हूँ ऐसे कहता है, और वांग जी का हाथ पकड़ते हुए जाने लगता है। तभी वो लेडी जस्ट विंग की तरफ दौड़कर भागती है और विंग के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि क्यों आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग? हाँ मुझे पता है कि मेरी गलती थी, मुझे पता है विंग आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग जस्ट उनको देखता है बट वो कुछ भी नहीं कहता और कहता है प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़िए, मेरे हाथ को छोड़िए ऐसे विंग कहता है।
बट वो लेडी नहीं छोड़ रही। तभी जो इंसान अंदर विंग को मिला था ना, वो भी वहाँ पे आता है और कहता है शिजे देखिए ये बोल रहा है कि ये विंग नहीं है। हाँ तो तभी यान लिखे थे कि विंग मेरी बात को सुनो, आई एम सॉरी मैं तुम्हारी उस टाइम पे मदद नहीं कर पाई थी, क्या इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो गए हो? हाँ जहाँ पे विंग कहता है कि सॉरी मैं आपको नहीं जानता हूँ ऐसे, वो कहते फिंग ऐसे मत करो, हाँ मैं तुम्हें कितने बार कितने सालों से ढूंढ रही हूँ तुम्हें पता भी है। विंग जस्ट उनको देखता है और कहता है कि बेबीज तुम दोनों वांग जी इनको लेके जाओ। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ, तो विंग कहता है मैंने कहा इन दोनों को लेके जाओ। तभी यान लिखे थे क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? तो वांग जी जस्ट जो विंग जो था ना वो वांग जी को देखता कहते लेके जाओ सुना नहीं तुमने? तो वांग जी जस उन दोनों को कार में लेके चला जाता है और कार में उनको बंद करते हुए कहता है बेबी तुम दोनों यहाँ पे रुको ऐसे कहता है, और वांग जी जस वहाँ पे आकर खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम भी जाओ वांग जी, वांग जी कहते हैं हाँ विंग मैं, तो विंग कहता है लाजान प्लीज़। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, एंड वांग जी वहाँ से चला जा चुका था। जिसके बाद विंग उन दोनों को देखता है और कहता है प्लीज़ क्या आप लोग फिर से मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो? क्या फिर से चाहते हो कि मैं बर्बाद हो जाऊँ? तो वो दोनों कहते नहीं हम ऐसा नहीं चाहते, हम हमारी गलती को सुधारना चाहते, हमें माफ़ कर दो विंग, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, माफ़ कर दो। विंग जैसे एक स्माइल करता है, दिन कहता है कि थैंक यू सो मच मैंने आपको माफ़ कर दिया है ठीक है, ऐसे विंग कहते हुए जाने लगता है। तभी जियांग चियांग कहता है कि विंग ऐसे मत करो, हाँ शिजे तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा रोती है। तो विंग कहता है मैंने कहा है उनको रोने के लिए, मेरे लिए मैंने कहा है क्या उनको? हाँ। जहाँ पे जियांग चियांग कहता है विंग ऐसे रूड मत बनो। विंग कहता है क्यों नहीं बनूँ, जब मुझे आप लोगों की ज़रूरत थी तब तो आप पीछे थे ना, हाँ आपने एक बार भी मुझे मेरी मदद नहीं की, हाँ मुझे किस तरह से देखा था, एक गंदे नाली के कीड़े की तरह आप लोग मुझे देख रहे थे उस टाइम पे, हाँ और अब मेरे सामने आकर ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं हम लोगों के बीच में, हाँ ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, आप लोगों की कोई गलती ही नहीं, आप लोगों से वो मिस्टेक हो गई ऐसे दिखा रहे हो, उसी गलती के कारण मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हाँ मुझे घर से निकाल दिया गया, मैंने अपने बच्चे को खोया, क्या क्या नहीं किया, और आप अभी माफ़ी मांग रहे हो मुझसे, वाह क्या बात है। आप लोग ऐसे प्रिटेंड करना बंद करिए जैसे कि आप लोगों की उसमें कोई गलती नहीं थी। जहाँ पे जियांग चियांग एंड यान ली कहते विंग हम मानते हैं कि उस टाइम पे हमारी गलती थी, हम तुम्हारी मदद कर सकते थे बट हमने नहीं किया, हम जानते हैं। तो विंग कहता है हाँ आप लोग जानते हो ना, यही मेरे लिए काफ़ी है, और प्लीज़ हो सके तो मेरे लाइफ में मत आइए और मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मुझे आपके फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, आप समझिए। ऐसे जो ना विंग कहता है और वहाँ से जाने लगता है। जियांग चियांग कहता है बट विंग तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो। विंग कहता है ओ अगर मैं हिस्सा होता तो आप मुझे धक्के मार कर घर से बाहर नहीं निकालते, अगर मैं आपके फैमिली का इतना सा भी हिस्सा होता तो। ऐसे जो ना विंग कहता है। जहाँ पे यान ली और जियांग चियांग दोनों जस विंग को देख रहे थे, यान ली जस जियांग चियांग को हक कर देते हैं, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मैंने खुद के लिए उसे सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने खुद के लिए बस उसे सेक्रीफाइस कर दिया। जियांग चियांग कहता कि शिजे। जहाँ पे यान ली जैसे एक लंबी सी सांस लेती है और विंग को जाते हुए देख रही थी। जहाँ पे विंग जिस कार के पास आता है और वांग जी उसके लिए डोर ओपन करता है और विंग चुपचाप से कार में बैठ जाता है। कार में नहीं बैठता यार गाइस, कार में नहीं आए थे, सॉरी मैं भूल गई थी यार, कार में नहीं आए थे वो लोग, जब पैदल पैदल चल के आए थे और वांग जी ने अपने बच्चों के साथ वांग जी साइड में जाकर खड़ा हो गया था, और विंग भी वहाँ पे आता है उन लोगों को ज्वाइन करता है। देन उसके बाद वो तीनों आई मीन से वो चारों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर चल रहे थे। जहाँ पे विंग खोया हुआ सा लग रहा था, वांग जी ने विंग के हाथ से वो ग्रोसरी का सामान तो ले लिया था। जहाँ पे वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जो था ना वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी कहते क्या हुआ विंग, विंग क्या हुआ है? बट विंग कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था, कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा था। वांग जी कहते विंग क्या हुआ है, क्या हुआ है मुझे बताओगे? जहाँ पे विंग जस्ट टर्न होता है, विंग की आंखों में आंसू थे। बस विंग कहता है कि कुछ नहीं, बस हमें जल्दी घर जाना है ऐसे कहता है। वांग जी कहते हैं कि ठीक है। एंड वांग जी विंग लानजान वांग जी अरे यार वांग जी विंग आयुआन जिंगी सभी लोग मिलकर घर में पहुंच चुके थे। घर में पहुंचने के बाद जिंगी कहता है कि भूख लगी है ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि वांग जी क्या तुम बाहर से कुछ ऑर्डर कर दोगे? तो वांग जी कहता है कि ठीक है। एंड विंग अपने कमरे में आकर वॉशरूम में चला जाता है, जो एक वॉशरूम था ना उस वॉशरूम में चला जाता है और अपने आप को बंद कर देता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और वांग जी मन में कहते हैं क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है ऐसे वांग जी सोच रहा था। देन उसके बाद सीन शिफ्ट करके देखते हैं, जहाँ पे वांग जी घर में खाना आ चुका था, वो बच्चों को खाना खिला रहा था, वो विंग भी कुछ टाइम के बाद मुंह धोकर बाहर आ चुका था और विंग भी उन लोगों को ज्वाइन करता है, हैप्पीली उनके साथ फूड को इन्जॉय करता है। फूड को इन्जॉय करने के बाद
विंग बच्चों को अच्छे से सुलाता है, जिसके बाद विंग जो था ना अपना जो वर्क रहता है एम्ब्रॉयडरी वर्क जो था ना वो करना स्टार्ट कर चुका था, वो डिज़ाइन बना रहा था। तभी वांग जी बैक से आता है और बैक उसके बैठते हुए जस विंग के चिन जो था ना आई मीन अपने चिन को जो था ना विंग के शोल्डर पे रखता है और धीरे धीरे वो शोल्डर को सहलाते हुए कहते हैं विंग। विंग कहते हैं तो वांग जी कहते हैं तुम उदास क्यों हो? तो विंग कहते हैं नहीं तो मैं नहीं उदास हूँ। वांग जी कहते हैं विंग मुझे पता हो ना, मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम उदास हो करके। विंग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, क्या होगा भला? वांग जी कहते हैं अगर कोई भी हो प्रॉब्लम होना विंग तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। विंग जिस कहता है जहाँ पे वांग जी पर स्माइल करता है और विंग पे चिक पे एक छोटा सा किस करता है। विंग कहता है ऐसी शरारती करना बंद करो तुम, हाँ तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं काम कर रहा हूँ? तो वांग जी कहता है नज़र तो बहुत कुछ आ रहा है विंग। विंग कहता है हाँ? तो वांग जी कहता है ये तुम्हारी सेक्सी बॉडी है ना, जहाँ पे विंग कहता है चुप रहो, हाँ तुम्हें शर्म भी है जहाँ पे हमारे बच्चे हैं? जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ हमारे है ना। विंग कहता है कि हाँ हमारे, ऐसे विंग कहता है अंदर एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है कि वांग जी क्या हम उस कब्र पे चले मेरे बच्चे से मिलने के लिए? जहाँ पे वांग जी ऑफ कोर्स विंग ज़रूर चलेंगे। ऐसे जो ना हमारा वांग जी कहता है जहाँ पे विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग जस्ट कुछ 3 घंटे के बाद विंग का काम होने के बाद वो वांग जी से कहता है कि अभी चलते हैं, और विंग और वांग जी बच्चों को उठाते और उनको रेडी करते हैं और कहते हैं कि चलो। एंड देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद विंग जो ना वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना कुछ फूल को वाइट फूल जो थे ना उनको बाय करता है, देन बच्चों के हाथ में देता है। देन उसके बाद वो लोग चलने लगते हैं। जहाँ पे विंग चल रहा था ना उसका जो ब्रीथिंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा था। हाँ ये बच्चा उसे कैसे भी मिला था, हाँ शायद उसके जीने की उम्मीद तो था ना, बट वो जीने की उम्मीद उसके हाथ में आने से पहले ही चली गई। हाँ जीने की उम्मीद उसे पास आने से पहले ही चली गई थी, इसलिए हमारा विंग जो था ना वो बस जो था ना अपने बहुत ज़्यादा भारी कदमों के साथ जस उस कब्र के पास चल रहा था। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, वो देख पा रहा था। विंग मन में सोच रहा था उससे 3 साल हो गए वो अपने बच्चे से मिलने तक नहीं आया। नहीं बेबी तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं भूली है, ऐसे कहते विंग जस्ट चलते जा रहा था और उस छोटे से बच्चे की कब्र के पास पहुंच चुका था। उस कब्र को पहले वो अच्छे से क्लीन करता है कपड़े वगैरह से जो ना क्लीन करता है अच्छे से, एंड वो अपने बेबी की कब्र के ऊपर फूलों को रखते हुए कहता है कि हे बेबी मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि मैं तुमसे मिलने नहीं आया ना 3 साल तक, बट नाराज़ मत होना, मम्मा थोड़ा सा बिजी थी इस कारण नहीं आ पाई, बट मम्मा तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, देखो ये तुम्हारे भाई है, दोनों के दोनों तुम्हारे भाई है, देखो इन दोनों को। और आयु और जिंगी कहते कि हेलो बेबी हम तुम्हारे भाई है, हम तुमसे छोटे हैं, हमें पता है कि तुम हमसे बड़े हो करके, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे विंग नहीं उनके दोनों बच्चे बोलते हैं। जहाँ पे विंग कहते कि सुना तुमने, वो तुम्हें अभी भी अपना भाई मानते हैं, ऐसे मत सोचना कि हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, हाँ हम भी तुम्हारे साथ है, सिर्फ मम्मा तुमसे थोड़ा सा दूर हो गई थी, ठीक है, ऐसे भी इन कहता है और उस कब्र को सहलाता है और कहता है कि मम्मा तुमको बहुत ज़्यादा मिस करती है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे वो कहता है एंड उस कब्र के पास ऐसे ही बैठा हुआ था विंग, ऐसे ही उस कब्र के पास बैठा हुआ था। हम दूसरी तरफ हमारे वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, वांग जी बस विंग को देख रहा था। हाँ वांग जी को सब कुछ पता है विंग के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, तो बस इतना ये नहीं पता है उनका शक्ल कैसा था क्या कैसा था, बस यही नहीं पता है किसने क्या किया उसे नहीं पता है, ठीक है, बट वांग जी को सब कुछ पता है। तो जो वांग जी को सब कुछ पता है तो चलो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि विंग के साथ क्या हुआ था करके, ठीक है। तो हम पुराना सीन देखते हैं बहुत टाइम पहले का, जहाँ पे विंग ओमेगा जस्ट रिसेंटली वो एक ओमेगा जो था ना ट्रांसफ़र हुआ था, बोलते हैं ना 18 साल की उम्र के बाद जो जेंडर पता चलता है, तो सेम हमारे विंग के साथ हुआ था। विंग भी एक ओमेगा ही था, हाँ वो एक ओमेगा था। वो अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि फैमिली मतलब उसके लिए उसके सिस्टर एक फैमिली का हिस्सा थी, जियांग चैंग उसका फैमिली का हिस्सा था और मिस्टर फेमियान जो जियांग फेमियान जो थे ना वो हिस्सा थे, बट मैडम यू उसे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती थी हमारी विंग को। हमेशा मैडम यू जो था ना विंग को जो एक नज़र रहती है ना डायन भरी वाली नज़र कहेंगे हम इसे, उस नज़र से देखती थी हमेशा विंग को परेशान करने के लिए। बट फिर भी एक इंसान अगर गुस्सा भी करता है ना तो 3 इंसान तो उसे प्यार करते ना, इसी चीज़ से हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश था और उसका लाइफ बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि कुछ भी गड़बड़ था करके। बट कहते हैं ना वक्त ऐसे गुजरता है बीतते चले जाता है। जहाँ पे यानली एक
अल्फा को पसंद करती थी, हाँ वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी, जिसका नाम था जिन जुशान। हाँ जिन जुशान, उसे वो पसंद करती थी। एंड जिन जुशान हमारे विंग को पसंद करने लगा था, विंग को। यान ली को जब पता चला कि जिन जुशान विंग को पसंद करता है करके, तो यान ली को विंग से नफरत होने लगी, विंग से नफरत होने लगी। विंग को तो इस बारे में कुछ पता तक नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो बट यान ली को उससे नफरत होने लगी। और यान ली जो विंग के साथ घर में अच्छे से बिहेवियर करती थी ना, उसने बंद कर दिया, वो इग्नोर करने लगी। फिर जियांग चांग की बारी आती है। जियांग चांग के साथ भी सेम हुआ। जियांग चांग जो एक ओमेगा था, हाँ जियांग चांग यहाँ पे एक ओमेगा था, जहाँ पे जियांग चांग जो था ना, वो एक लड़की अल्फा को पसंद करती थी, हाँ, जिसका नाम वेंचिंग था। और वेंचिंग जो थी ना, वो विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, क्योंकि वो लोग एक ही कॉलेज में जाते थे ना, तो वेंचिंग विंग का अच्छे से ख्याल रखती थी। विंग को जो ना अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। पर जियांग चांग को धीरे धीरे लगने लगा कि वेंचिंग और विंग के बीच में कुछ चल रहा है करके। और जियांग चांग को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि विंग ने उसके पार्टनर को छीना है करके, क्यों ऐसे जो है ना, जियांग चांग को लगने लगा। और जियांग चांग की भी नफरत स्टार्ट हो गई। और विंग को अब मैडम यू अगर बुली भी करती थी ना, पहले कैसे ये दोनों भाई और ब्रदर जो थे ना, बीच में आकर जो ना विंग को रोकते थे, हाँ विंग को रोकते थे कि हाँ विंग के साथ बुरा हो रहा है तो उन्हें उसे बचा लिया जाए, उसके माँ से बचा लिया जाए। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा था। विंग को जब बुली होते थे ना, विंग जस्ट उनको तरफ ऐसे देखता था, होपफुल निगाहें जो रहती है ना, तो विंग देखता था कि शायद उनके भाई और बहन बचा लेंगे करके। बट नहीं, सिर्फ बचे थे फिर जियांग फेमयान विंग को बचा, हर बार बचाते थे जितना हो सके उनसे, वो इतना करते थे। बट धीरे धीरे उनका भी डेथ हो गया। जब उनके मरने के बाद जो था ना, मैडम यू की बहुत ज़्यादा जो थी ना ये बढ़ चुकी थी। मैडम यू बहुत ज़्यादा विंग को बुली करती थी, बहुत बुरी तरह से बुली करती थी, बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिलेट करती थी किसी के भी सामने। और मैं जो यान ली और जो चेंग था ना, वो कुछ भी नहीं बोलते थे अपनी माँ को। और विंग कॉलेज जाता था तो उसके दोस्त ऑफकोर्स उसे सिंपथी दिखाएंगे। अगर किसी को हम पसंद करते ना, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि उसे क्या हुआ है करके। तो जिन जुशान सेम हमारे विंग के पास जाकर उसे पूछता था। अगर विंग को चोट लगी रहती थी तो विंग के हाथों को वो मलम पट्टी लगाता था या कुछ भी करता था। जहाँ पे वेंचिंग भी थी, वेंचिंग खुद भी विंग का अच्छे से ख्याल रखती थी। तो ये दोनों भाई और बहन दोनों विंग से जलने लगे थे, हाँ विंग से जलने लगे थे। तो एक दिन की बात है जहाँ पे यान ली शॉपिंग करने के लिए गई थी और जियांग चांग भी शॉपिंग करने के लिए गया था। जहाँ पे वो दोनों शॉपिंग करने के लिए गए थे, तभी जो थे ना जियांग चांग और यान ली दोनों ओमेगास थे ना, इसलिए वो दोनों रास्ते से आ रहे थे, हाँ दोनों रास्ते से आ रहे थे। तभी कुछ अल्फा जो थे ना, 7 से 8 अल्फा ने उन लोगों को घेर लिया था 7 से 8 अल्फा ने। जहाँ पे जियांग चांग एंड यान ली थोड़ा सा डर चुके थे, क्योंकि वो लोग स्ट्रांग लग रहे थे, ऊपर से वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहे थे, जिसके कारण उनको डर लग रहा था। और उन अल्फाओं ने जो थे ना, इन लोगों को जो ना वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पे ये दोनों चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी, हमें छोड़ दो, वो ये सब बोल रहे थे। बट जो अल्फाज थे ना, वो लोगों को छोड़ नहीं रहे थे, वो ज़बरदस्ती उनको लेके जा रहे थे, बहुत बुरी तरह से वो लेके जा रहे थे। जहाँ पे वो लेके जा रहे थे, देन उसके बाद जो थी ना यान ली अपने मन में कहते प्लीज़ कोई तो बचाओ हमें प्लीज़। जियांग चांग भी यही सोच रहा था। बट उसी दौरान हमारा विंग भी वहाँ पे पहुँच चुका था। विंग भी अपने कॉलेज से जो ना घर में आ रहा था, वो कॉलेज जाता था, इन लोगों की तरह शॉपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करता नहीं था। विंग जस्ट कॉलेज से घर जा रहा था, तब उसने देखा था कि कुछ लोग किसी लोगों को लेके जा रहे। और विंग इतना हेल्पफुल इंसान था कि विंग किसी की भी मदद कर सकता था। जहाँ पे विंग उनकी मदद करने को छुप छुप के उनको फॉलो कर रहा था, तब उसने देखा कि वहाँ पे यान ली और जियांग चांग है करके। तो विंग को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसे समझ में नहीं आया। विंग ने देखा उन अल्फाओं को, तो विंग ने उन अल्फाओं के ध्यान भटकाने के लिए जो था ना, बहुत सारे पत्थरों का इस्तेमाल किया और दूसरे डायरेक्शन में मारने लगा। तो इसलिए वो लोग जो थोड़े भटक गए और कहना तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो, हम देखते हैं कि कौन है करके, ऐसे कहता है। देन विंग ने अपने फ़ोन में जो था ना, वो छोटा सा फ़ोन था विंग के पास, उस फ़ोन से जो ना पुलिस वाला सायरन जो रहता है ना, उसे भी बजा दिया, जिसके कारण सारे लोग थोड़ा बहुत डर गए और वहाँ से भागने लगे। और विंग वहाँ पर जल्दी आया और उन दोनों को छुड़ा दिया। उन दोनों को छुड़ाने के बाद विंग कहते हैं चलो जल्दी चलो, ऐसे कहता है। बट तभी वहाँ से एक इंसान बाहर निकलता है, ओ ये तुम हो ब्राइट, तुमने ये सब किया है, ऐसे कहते जो ना विंग के शर्ट को उसने टाइटली पकड़ के रखा था। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखते, जियांग चांग यान ली भागो, ऐसे कहते। जहाँ पे जियांग चांग यान ली बिना सोचे वहाँ से भागने लगते, जहाँ पे विंग को वहाँ पे छोड़कर वो लोग भाग चुके थे। हाँ विंग को उन गुंडों के बीच में, 7 से 8 गुंडों के बीच में बस विंग को अकेला छोड़कर भाग चुके थे। जियांग चांग यान ली वहाँ से आने के बाद ये सोच लेते कि हाँ उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, बट उन दोनों में से कोई भी पुलिस को कॉल नहीं करता, बिल्कुल भी कॉल नहीं करता। देन उसके बाद वो लोग घर में आ चुके थे। वो घर में आकर जो बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कि विंग के साथ क्या हुआ होगा, वो सोचते। बट विंग वहाँ से दूसरे दिन
इतनी बुरी हालत में आता है, बुरी कंडीशन में आता है, जहाँ पे जियांग चांग और यान लीजस विंग को देखते हैं बस ऐसे जो ना पास जाना तो चाहते थे बट अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, और विंग उन लोगों को देखता तक नहीं है। बट मैडम यू जब वहाँ पे आती है और कहते क्या है ये सब, हाँ इस कैसी कंडीशन बना कर रखी है और कहाँ मर गए थे तुम, हाँ कल कहाँ गए थे, किस अल्फा के साथ गए थे, ऐसे वो कहते। बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। विंग जस्ट अपने सर को नीचे खड़े हुए जस्ट लंगड़ाते कदमों के साथ बस अपने कमरे की ओर जा रहा था। हाँ अपने कमरे में पहुँचने के बाद जस्ट विंग जो था ना वो बेड पर आकर गिर चुका था और विंग पूरे कंटिन्यू एक हफ्ते तक उस कमरे से बाहर तक नहीं निकलता, बिल्कुल भी नहीं, ना खाना खाता है ना कुछ भी। जहाँ पे मैडम यू बार बार उसके दरवाजे पर नॉक करती, तोड़ दूंगी ये कर दूंगी, बट कुछ भी नहीं। विंग बिना खाए हुए ऐसे ही रहता, जियांग चांग यान लीजस विंग को ऐसे देखते रहते कि जाओ अपने भाई को संभालो, ऐसा कुछ भी नहीं था उन दोनों के बीच में, कुछ भी नहीं था। अगर उस टाइम पर शायद से वो लोग पुलिस कंप्लेंट कर देते या पुलिस को बुला लेते तो शायद विंग की हालत ठीक होती, ये नहीं ऐसा हो सकता था। जिसके बाद वक्त गुजरता रहा जहाँ पे विंग धीरे धीरे जो ना अपने कमरे से बाहर आने लगा, क्योंकि मैडम यू उसे बहुत ज़्यादा ताने मारती थी, इसके कारण विंग जिस कमरे से बाहर आकर खुद को अच्छे रखने लगा। वो खाने लगा, ज़्यादा नहीं बस नॉर्मली वो खाता था बस जिंदा रहने के लिए, और विंग ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, बस वो जिंदा रहने के लिए खाता था, ऐसे वो करने लगा। जहाँ पे हमारा विंग पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका था बट उसे संभालने के लिए कोई भी नहीं था। बट एक दिन जब मैडम यू ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था तो विंग को भी उन्होंने दिया था, जहाँ पे विंग उस खाने के पास आकर बैठ तो चुका था, जैसे उसने स्मेल ली ना तो विंग को अजीब सा फील हुआ, इसलिए विंग दौड़ते हुए जो वॉशरूम में भाग गया। देन विंग वोमिटिंग करने लगा एंड कंटिन्यूसली ये चीज़ें विंग के साथ 2 से 3 वीक तक चली, वोमिटिंग होना, चक्कर आकर गिर जाना, उसे अजीब सा फील होना। तो मैडम यू ने कहा था कि ऐसे ही करके अगर यहाँ पे मरना है तो रहने की ज़रूरत नहीं, पहले ही मर जाओ, यहाँ पे ऐसे नाटक दिखाने से अच्छा होगा कि हॉस्पिटल में जाके मर जाओ पहले, ऐसे विंग से कहा। इसके कारण हमारा विंग हॉस्पिटल में गया। देन हॉस्पिटल में जाने के बाद विंग को जैसे ही पता चला, वो शौक था विंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है करके, हाँ विंग को तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है करके। देन उसके बाद विंग ने ये किसी को भी नहीं बताया, अगर वो किसी को बताएगा तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, विंग यही सोच रहा था। बट जो डॉक्टर था ना, डॉक्टर ने मैडम यू को कॉल करके बताया कि आपका घर का बच्चा जो है ना वो प्रेग्नेंट है करके। जैसे ही विंग घर पे आया ना तो विंग को इतने ज़ोर से स्लैप मारा मैडम यू ने और कहा किस कमीने का ये बच्चा है, हाँ किस कमीने की नाजायज औलाद है जो तुम्हारे पेट में पल रही है, तुम्हें शर्म भी है, हाँ किसके साथ सो के आए थे, हाँ बताओ मुझे। जहाँ पे वो विंग को ह्यूमिलेट करने लगी, मारने लगी, चिल्लाने लगी, जहाँ पे विंग ने अपने बेली को प्रोटेक्टिव वे में जस्ट पकड़ के रखा था, जहाँ पे मैडम यू कहते शर्म नाम की तुम्हें चीज तक नहीं है, हाँ तुम्हारी माँ भी ऐसी थी और तुम भी वैसे निकले, ऐसे कहा। जहाँ पे यान ली और जियांग चांग बस विंग को देख रहे थे और उन लोगों को जब पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है करके, वो पूरे शॉक हो चुके थे, विंग प्रेग्नेंट है वो प्रोसेस नहीं कर पाए। वो दोनों अपने कमरे में और कहते कि क्या उसके कारण हो सकता है, हाँ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो यान ली कहते कि हाँ शायद हम क्या करें, वो समझ ही नहीं पा रहे थे, वो दोनों बोल ही नहीं पा रहे थे, और हाँ उन दोनों की ही गलती थी इसमें, अगर वो पुलिस को बुला लेते तो शायद विंग के साथ ऐसा नहीं होता। बट इसके बाद विंग के दिन स्टार्ट हो गए, जहाँ पे मैडम यू ने विंग को फोर्स किया कि इस बच्चे को गिरा दो, तुम नाजायज औलाद को रखकर क्या करोगे, वैसे भी खुद भी तुम भी तो नाजायज थे, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना विंग को बोली गई, वैसे भी तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो विंग को बोली गई। इसके कारण विंग ने कॉलेज से जाना बंद ही कर दिया। देन उसने विंग ने खुद के लिए जॉब ढूंढी और जॉब ढूंढने के बाद वो काम करने लगा, जहाँ पर मैडम यू उसे बोलती थी बच्चा गिरा दो, ये किसका बच्चा है, क्या है, अपने बाप इसके बाप को बुलाओ, नाजायज कहिए के एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना हमारे विंग को बोली जाती थी। जहाँ पे विंग बच्चे को गिराना तो चाहता था, ऐसा नहीं कि उसे रखना था घर के उस बच्चे को, बट मैडम यू के जो ताने थे कि तुम अकेले हो, अकेले मर जाओगे, अकेले रहोगे ज़िंदगी भर, तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा, तुमने इस बच्चे को कैसे पैदा कर दिया, तुम नाजायज औलाद को पैदा करो, ये चीज़ें जो थी ना मैडम यू ने उसे बोलना स्टार्ट कर दिया था। एंड ऐसी चीज़ें मैडम यू ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलेगी तो आस पड़ोस वाले लोग तो सुनेंगे ही ना, तो आस पड़ोस वाले लोगों को भी पता चल चुका था विंग प्रेग्नेंट है करके किसी की नाजायज औलाद से, ऐसे पता चल चुका था। बहुत सारे लोग बुली करते थे विंग को, बोलते थे कि आओ मेरे पास ओमेगा, हम भी तुम्हें सेटिस्फाइड करवाएंगे, जिस अल्फा ने तुम्हें छोड़ के चला गया ना उससे भी ज़्यादा हम सेटिस्फाइड कराएंगे, ऐसा रहता है ना बुली करने वाले लोग जो रहते हैं। एक बार किसी के साथ ये सब होता है ना, किसी के साथ ये सेक्सुअल इंटरक्रोस हो जाता है और लोगों को पता चलता है कि हाँ ये तो किसी और के साथ सो चुका है, तो हाँ मेरे साथ भी सो सकता है, तो ऐसे करते जो ना विंग को वो बोलते थे। जहाँ पे विंग को रोना तो आता था बट विंग सर को नीचे करते हुए अपने जाता था, और विंग ने अपने लिए जो ना एक पार्ट टाइम वर्क ढूंढ लिया था, जहाँ पे विंग जस्ट बर्तन धोने का काम करता था, क्योंकि वो विंग जस्ट पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि मैडम यू उसे बार बार बोलती है कि तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो करके, इसलिए विंग ये सब करता था।
विंग ने काम करना स्टार्ट कर दिया। विंग को कभी कभी लेट हो जाता था, कुछ अल्फा विंग के पीछे से भागते थे विंग को छूने के लिए, विंग को पकड़ने के लिए, और विंग को ये सारी चीज़ों को सहना पड़ रहा था बहुत बुरी तरह से, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहे थे विंग को, विंग को जीने का मन ही नहीं हो रहा था। और विंग का धीरे धीरे जो ना वक्त गुजरता गया, जब विंग डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए गया ना, तो विंग को बेबी के बारे में पता चला, और जो ओमेगा की जो प्रेगनेंसी रहती है ना वो 3 मंथ की ही रहती है, सिर्फ 3 मंथ की रहती है। तो विंग अपने बच्चे का अच्छे से अपने बच्चे के लिए जो ना खाना खाने लगा, यानी ऐसे सोचने लगा कि हाँ उसका भी कोई है जो उसे कुछ कह सकता है, वो कैसे भी उसे मिला हो बट उसके पास तो कोई है ना जो उसे वो अपना कह सकता है, वो उसका खून होगा, हाँ उसे पाल पोस के वो बड़ा करेगा, उसे बहुत ज़्यादा प्यार देगा और सबसे दूर रखेगा, ऐसे घिनौने लोगों से दूर रखेगा। विंग अपने ही बच्चे से ऐसे ही बातें करता रहता था, अपने बच्चे की फ़ोटो सारी चीज़ों को जो था ना यादों की तरह संभालता था, घर में आकर काम करता था, वो अपने जॉब पर जाता था, जॉब पर काम करने के बाद लोगों जो अल्फा थे उन लोगों की नज़रों को, घटिया नज़रों को, उनकी बातों को, सारी चीजों को सहते हुए वो डेली अपनी लाइफ को बिता रहा था। फिर देन जब विंग का थर्ड मंथ स्टार्ट था, थर्ड मंथ विंग को जो ना डिलीवरी की डेट जो रहती है ना वो भी दी गई थी, क्योंकि विंग एक ओमेगा था ना तो उसको डिलीवरी का टाइम भी बता गया था। उससे जस्ट 3 दिन पहले हमारा विंग जो था ना वो अपने बॉस के साथ काम कर रहा था, जहां पे उसके बॉस कहते कि विंग विंग कहता हाँ बॉस, तो उसके बॉस कहते कि तुम्हारा तो अभी डिलीवरी होने वाला है ना, तो तुम 2-3 दिन के लिए रेस्ट करो ना। विंग कहता है डॉक्टर ने अब 2 दिन और बाकी है, उसके बाद मैं रेस्ट ही रहूँगा ना बॉस, तो कहते कि हाँ ठीक है पर खुद का ध्यान रखना, ठीक है फर्श से गिर मत जाना। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे वो कहता है। देन विंग अपने बर्तनों को धोने के बाद जो ना वो वहाँ से धीरे धीरे जो ना निकल जाता है, निकलने के बाद विंग अब आराम से जो ना रास्ते पे चल रहा था। अब बस 6 बज रहे थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, 6 बज रहे थे विंग को, और विंग जब चलते हुए जो ना अपने घर की ओर जा रहा था, घर की ओर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे फिर से वो अल्फाज खड़े है करके, जो पुराने जो अल्फाज थे ना वो वहाँ पे खड़े करके जिन्होंने विंग के साथ ये सब किया था, वो अल्फा वहाँ पे थे। विंग उनको देख कर बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो घबरा जाता है, और विंग वहाँ से पीछे कदम ले रहा था तभी एक अल्फा कहता है ओ ये तो वही है ना, ये तो वही है ना लिटिल ब्राइट, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वो विंग की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी जाने लगता है। बट विंग का जो बेली था ना वो बेबी था, उसके पास बेबी के होने के कारण जो ना विंग जो ना ज़्यादा ज़ोर से चल नहीं सकता था बिल्कुल भी नहीं, उसे दर्द हो रहा था। विंग जस्ट कहता कि नहीं मुझे जल्दी ऐसे जाना होगा ऐसे कहते, जो ना विंग जस्ट अपने बेली बम को पकड़ते हुए जल्दी जल्दी जा रहा था, पर तभी वो इंसान जस्ट जो ना विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण विंग को एक झटका लगता है अपने कमर में, और विंग जस्ट चिल्लाता है, जहाँ पे वो इंसान हाँ क्या क्या हुआ तुझे, हाँ ओहो उस टाइम की रात याद है तुम्हें, ऐसे कहता है और विंग को देख रहे थे। और तभी उसका ध्यान जाता है विंग के बेली से, जो था ना ब्लड जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा था, तो वो इंसान ये क्या हो गया तुझे हाँ, और वो विंग के बेली को देखता है जहाँ पे विंग का बेली फूला हुआ था, वो कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो विंग जस्ट कहता है प्लीज़ डॉक्टर वह ऐसे कहता है प्लीज़ डॉक्टर, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग ऐसे कह रहा था ना वो इंसान जस्ट कहता है गाइस इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, ऐसे कहता है, जहाँ पे वो लगता है क्या हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे बिल्कुल भी नहीं, और ये बच्चा किसका है हाँ, ऐसे कहते हैं क्या ये बच्चा किसका है, वो ऐसे सोच रहे थे और वो बस विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग जो था ना उस इंसान के हाथ में था, जहाँ पे वो इंसान कहता हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, वो इंसान बोल रहा था बट बाकी लोग बोल रहे थे हम क्यों लेके जाएं हाँ हमें क्या करना है इसका, मरने दो यहीं पे हमारा क्या जा रहा है, ऐसे वो कह रहा था। बट वो इंसान जस्ट कहता कि हमें इसे लेके जाना चाहिए, तभी वो कहता कि छोड़ना उसको लेके जाके क्या करेंगे हम लोग, वैसे भी किस काम का ये लड़का, वैसे भी रात को हमने उसे टेस्ट किया था, चलो इस बार भी हम उसे टेस्ट कर देते। वो कहते क्या बोल रहे हो तुम, हम उस तुम्हें नज़र नहीं आ रहा उसका वाटर बैग फट चुका है करके, और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, तो वो लोग जो देखे क्या हुआ है हाँ तू इतना इमोशनल क्यों फील कर रहा है, हाँ हम तो ये सब करते ही रहते हैं ना, तुम इतना इमोशनल फील करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी वो अल्फाज जो थे ना अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते, जिसके कारण जो अल्फा जो था ना वो जो विंग को पकड़े हुए था और विंग की मदद करना चाहता था वो कहते तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और विंग को पसंद सब जो ना ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, और ऊपर से विंग के बेली से जो ना ब्लड भी बाहर निकल रहा था बहुत बुरी तरह से, बट ये लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो जस्ट कहते कि तू इतना इमोशन होना बंद करेगा हाँ, रहने दे मरने दे यहीं पर, क्या ज़रूरत है उसे बचाने की हाँ, ऐसे करते जो ना वो उसे लेके जा रहे थे, जहाँ पे वो अल्फा कहते कि आई एम सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ऐसे कहता है। एंड वो जो था ना वो अल्फाओं के साथ जाने लगता है, जहाँ पे विंग जस्ट ऐसे ही जो ना साइड में पड़ा हुआ था बैठा हुआ था, और विंग जस्ट अपनी जल्दी जल्दी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और जो ना फ़ोन ट्राई करता है जल्दी जल्दी, वो किसी फ़ोन ट्राई करे उस समझ में नहीं आ रहा था, वो अपनी यानली शीजी को फ़ोन ट्राई करता है बट यानली फ़ोन को नहीं उठाती बिल्कुल भी नहीं, जिसके बाद जो है ना विंग मैडम यू को कॉल करता है और मैडम यू को कहते हैं मैडम यू प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरा वाटर बैग फट चुका है हॉस्पिटल, जहाँ पे मैडम यू कहते हैं अच्छा हुआ फट चुका है तो मर जाओ वहीं पे, ऐसे कहते हुए जो ना मैडम यू फ़ोन को कट कर देती है। विंग को समझ में नहीं, विंग को रोना आ रहा था, बट विंग तब जियांग चांग को कॉल करते हैं और जियांग चांग कहते हैं कि क्या वाटर बैग फट चुका है, फटने दो ना विंग क्या होता है फट चुका है तो, और ज़्यादा फट जाए तो अच्छा होगा, जंग चंग नशे में ये सब बोलता है।
जहाँ पे विंग को इतना बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही विंग को बहुत बुरा लग रहा था। विंग कहता है क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तभी विंग को याद आती है यानली बोल रही थी वेंचिंग, वो वेंचिंग को कॉल करते हैं, वेंचिंग प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं रास्ते पे गिरा हूँ, मेरा वाटर बैग। वेंचिंग को समझ में तो नहीं आता, बट इतना समझ में आता है कि विंग तकलीफ में करके, तो वेंचिंग कहते ठीक है। और वेंचिंग जिन जुशान को लेकर हमारे विंग के पास आती, और विंग जो रास्ते पर पड़ा हुआ था जहाँ पे लोग आते जाते हुए देख रहे थे, विंग के बॉडी से जो ब्लड बह रहा था ना, वो सब लोग उसे देख रहे थे। बट ऐसा नहीं कि चलो डॉक्टर को कॉल कर लो या एम्बुलेंस को कॉल कर लो और बुला लो कि ये लड़का यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो विंग के जो मोहल्ले वाले जो लोग थे ना, जिनको पता था कि ये बेबी जो नाजायज था करके, वो सारे लोग विंग को जस्ट ऐसे देख कर चले जा रहे थे। और विंग सारे लोगों को देख रहा था कैसे वो लोग देख रहे विंग को, बट कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। विंग ने उस टाइम पर देख लिया और विंग समझ गया कि ये लोग सभी लोग मतलब ये बस मतलब ये और कुछ भी नहीं है। विंग ने सभी को देखा, जो पहले जो उसके साथ अच्छे से बात करते थे, विंग उनके साथ अच्छे से बात करता, विंग उनकी हेल्प करता था, सब कुछ उसने देखा अपनी आंखों के सामने। बट वो लोग विंग की हेल्प नहीं कर रहे थे, विंग के बॉडी से कैसे ब्लड बह रहा था। विंग को समझ में आ रहा था कि शायद वो अपने बच्चे को खो देगा, शायद वो अपने बेबी को खो देगा। विंग को समझ में आ रहा था, विंग रो रहा था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। बट तभी विंग ने वेंचिंग और जिनजुशान की वॉइस सुनी और वो कह रहे थे विंग ऐसे कुछ जल्दी से विंग को आते हैं। और विंग की आंखें बंद हो जाती है, उनका आने का ही इंतजार कर रहा था शायद से विंग। उसके बाद विंग को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जिसके बाद विंग होश में आता है। जब वो होश में आता है उसे पता चलता है कि उसका बच्चा मर चुका है करके। विंग को ये पता चलता है और विंग पूरा शॉक हो चुका था पूरी तरह से। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विंग पूरी फूट फूट के रोने लगता है, मेरा बच्चा ऐसे करते हुए रोने लगता है। जहाँ पे जो विंचिंग जो थी ना वो विंग को संभाल रही थी, जिनजुशान यानली जो चेंग थे ना वो विंग को संभालने की कोशिश कर, सभी लोग संभालने की कोशिश कर। विंग कहता है कि सब तुम लोगों की गलती है। मैडम यू भी वहाँ पे आती है और विंग को देखती है, जहाँ पे विंग बस रो रहा था। मैडम यू उसे ये कह देती है कि हाँ वो बच्चा ही तो था, चला गया तो क्या, दूसरा आ जाएगा। ऐसे कहते विंग जिस उनको देखता है और कहता आप लोग तो पहले से नहीं चाहते थे मेरे बच्चे को, आप लोग तो नहीं चाहते थे पहले से, इसलिए आप लोगों की गलती, आप लोगों के कारण ये सब हुआ। मेरा बच्चा आप लोगों के कारण मुझसे दूर चला गया। अगर आप लोगों को मैंने जब कॉल किया था, अगर आप लोग उसी टाइम पे मुझे बचाने के लिए आ जाते तो मैं बच जाता, ऐसे जो ना विंग कहता है। जहाँ पे मैडम यू जंग यानली और चेंग जो थे ना वो बस विंग को देख रहे थे, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे, कोई भी नहीं। जहाँ पे यानली को थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा था कि हाँ एक बच्चे का खोने का दुख सभी लोग समझ सकते हैं, जो माँ बने हुए रहते ना वो समझ सकते हैं। जहाँ पे बट यानली को ये फील हो रहा था विंग की आंखों में आंसू देखने के बाद, बट फिर भी हमारी विंग यानली कुछ भी नहीं कहती हमारी विंग को, कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग रो रहा था मेरा बच्चा कहाँ है, तो मैडम यू कहते हैं कि मैंने उसे दबा दिया है, मैंने एक समाधि उसकी बना ली है। जहाँ पे विंग कहते मुझे जाना है, बस मुझे जाना है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग को वेंचिंग वहाँ पे लेके जा चुकी थी, जो समाधि थी ना जहाँ पे बच्चे को दफनाया गया था, वहाँ पे विंग को लेके जाते। जहाँ पे विंग अपने बच्चे की समाधि को देखता है और बहुत फूट फूट के रोने लगता है, और वो रोने लगता है बेबी, वो कहने लगता है बहुत फूट फूट के वो रोते जा रहा था, बस वो रो रहा था कंटिन्यूसली, पूरी रात वहीं पे रोता रहता है। देन जो लोग थे ना, जो उनको भी पता चल चुका था कि विंग का बच्चा मर चुका है करके। देन उसके बाद जो रहता है ना कुछ लोग जले फिर नमक छिड़कने के लिए आने के लिए, जहाँ पे विंग रो रहा था ना वहीं पे आकर बातें करते कि हाँ इसे शर्म भी नहीं थी किसी के नाजायज औलाद को अपने पेट में रखा था, और अब यहाँ पे देखो कैसे रो रहा है, जैसे कि वो खुद का खून था एक्सेट्रा, जो चीज़ें थी ना एक अल्फा ने उसे ऐसे किया था वैसे किया था, बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो विंग के खिलाफ बोली जा रही थी। और विंग कंटिन्यू बहुत टाइम तक वहीं पे रहता है, बहुत ऐसे कहते हैं ना एक दो दिन तीन चार दिन बस कंटिन्यू वहीं पे रोते हुए रहता था, वो बस वहाँ पे रहता था। जहाँ पे वेंचिंग विंग को संभालने के लिए आती थी, कभी कभी जिनजुशान भी आता था वहाँ पे विंग को संभालने के लिए। वेंचिंग और जिनजुशान आने के कारण जो ना यानली और जियांगचांग को बहुत गुस्सा आने लगा था कि वो जिस विंग को संभाल रहे वो खुद के बारे में नहीं सोच रही। जहाँ पे वेंचिंग जो थी ना वो हॉस्पिटल की स्टडी करने के लिए बाहर जाने वाली थी, जो रहता है ना आगे का पढ़ाई 12वीं कक्षा के बाद जो होने वाला पढ़ाई रहता है ना उसके लिए जो ना वो अदर कंट्री जाने वाली थी, बट विंग के लिए वो 15 दिनों का उसने डेले कर दिया था, जो हमारे जियांगचांग को पता चल चुका था। जियांगचांग मन में कहता है कि क्या विंग इतना ज़्यादा ज़रूरी है या इसके लिए वेंचिंग के लिए, वो ये सोच रहा था। जिनजुशान जो था ना वो अपने फादर उसके बोल रहे थे कि उस अल्फा के उस ओमेगा के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी की नाजायज औलाद को लेकर रख रहा है। और यानली को भी सब कुछ पता चल चुका था क्योंकि जिनजुशान जो था ना वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि ऐसे ऐसे बोल रहे करके, तो उसके दोस्त भी बता रहे थे कि हाँ वो किसी की नाजायज औलाद को लेके था करके एक्सेट्रा चीज़ें, तो यानली को भी ये हाँ सही कहा नाजायज औलाद, तो वो यानली को भी लगता था कि हाँ वो इतना क्यों कर रहा है, विंग तो उसके किसी काम का नहीं, वो तो पूरा गंदा हो चुका है, फिर भी जिनजुशान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जिनजुशान विंग को सच्चा प्यार करता था, इसलिए जिनजुशान विंग को देखभाल करना चाहता, इसलिए जिनजुशान जस्ट विंग को दूर से देखता था, विंग के लिए खाने के लिए चीज़ें लाता था, विंग के पास रख देता था, विंग खाता नहीं था, इसलिए जो ना जैसे वेंचिंग जो थी ना वो विंग को जैसे ऐसे फूड नहीं होता जिससे जो ना हमारे बॉडी में स्ट्रांग हो और जूस वगैरह होता था, वो बस ऐसी चीज़ें पिलाती थी। जहाँ पे विंग जैसे अपने बच्चे के सामने जैसे ऐसे लाश की तरह पड़ा हुआ रहता था,
मम्मी रोते रहता था, लोग आते थे बातें करके चले जाते थे, ऐसे वो चल रहा था। ऐसे दिन बीतने के साथ वहाँ पे मैडम यू और जो थे ना मिस्टर लैंड भी आए थे हमारे विंग के पास, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये सब हुआ था। तो अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो अपने बच्चे को देखकर बस छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता है कि तुम जहाँ पे भी हो ना तुम खुश रहना, हाँ तुम खुश रहना, ऐसे वो कहता है। इसके बाद विंग आई ऑनर जिंगू को देखते चलो चलो बेबी हो गया, तो कहते कि ओके मम्मा, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। विंग बस जा रहा था उस कब्र के पास से, वो जाते हुए जस्ट बाहर निकलता है। हाँ, वो बाहर निकलने के बाद वांग जी दोनों बच्चों को जो ना कार में बिठाता है, जहाँ पे विंग जो था ना कैंडल शॉप के पास जाता है। देन अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने देखने लगता है। हाँ, वो अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें देख रहा था, विंग अपने बच्चों के लिए देख रहा था। वो तीन लॉकेट लेता है, एक जो उसका बच्चा कब्र में है उसके लिए और दोनों इन दोनों के लिए। विंग ऐसे लॉकेट लेकर जस्ट टर्न ही होता है कि वो किसी से टकरा जाता है, और विंग टकरा हुआ बस सॉरी कह ही रहा था कि उस इंसान के साथ उसकी आई कांटेक्ट होता है। आई कांटेक्ट होने के कारण विंग थोड़ा सा डर जाता है और जल्दी से पीछे हो जाता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, वो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है विंग थोड़ा सा घबरा चुका था, और विंग जल्दी से अपने पैरों को पीछे लेता है और जल्दी से जल्दी वहाँ से भागने लगता है। जहाँ पे वो इंसान बस विंग को देख रहा था, बस वो विंग को देख ही जा रहा था, और विंग जल्दी से आता है और कार में बैठ जाता है, और थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ विंग, क्या हुआ विंग, कहता कुछ नहीं चलो चलो, ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण हमारा वांग जी बस चलने लगता है। और वो लोग हमारे विंग के घर में पहुंच चुके थे। विंग के घर में पहुंचने के बाद विंग जल्दी जल्दी अंदर आता है और जल्दी से पानी पीता है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ विंग, कुछ प्रॉब्लम है क्या, विंग कहता कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। विंग को कभी लगा नहीं था जब वो इस सिटी में आएगा तो इसके साथ ये सब होगा, इन लोगों को उसे देखना पड़ेगा, उसे नहीं लगा था वो पास से फिर से टकराएगा, उसे नहीं लगा था बिल्कुल भी नहीं। और विंग के साथ जो लोगों ने भी ये सब कुछ किया था ना, उन लोगों को अभी तक सज़ा नहीं मिली थी, बिल्कुल भी किसी को सज़ा नहीं मिली थी। इसलिए हमारा विंग जो था ये सब सोच रहा था, विंग जस लंबी लंबी सांसें ले रहा था। तभी वांग जी वहाँ पे आता है और विंग के पीठ को सहलाता है, जिस कारण विंग जस वांग जी की तरफ टर्न होता है और वांग जी को टाइटली हक कर लेता है, टाइटली हक करता है। जहाँ पे वांग जी थे विंग तुम ठीक हो ना, विंग कहता है प्लीज़ शांत रहो, बस मुझे तुम्हें हक करके रहने दो, प्लीज़ मुझे तुम्हें हक करके रहने दो, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे वांग जी जस मान जाता है और उसके बाद बेबी दोनों आ जाते हैं, जिस कारण विंग अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और उन दोनों बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। और बच्चों के साथ वो खेल रहा था और वो सोच भी रहा था, उसका दिमाग चल नहीं रहा था। जब बच्चे सो जाते हैं ना तब वांग जी कहता है कि विंग क्या आज हम यहीं पे रहेंगे, विंग कहता है कि ऐसा कहता है। और विंग खाना बनाने लगता है, जहाँ पे विंग खाना बनाते हुए सोच रहा था वांग जी देख पा रहा था विंग कहाँ पे किस ख्यालों में है करके उसे समझ तो नहीं आ रहा था, बट विंग थोड़ा सा ख्यालों में डूबा हुआ सा लग रहा था। इसलिए हमारा वांग जी जिस विंग के पास आता है उसका उसके मूड को लाइट करने के लिए वांग जी विंग के बैग पर आता है और बैग से उसे हक करता है। देन कहता है विंग 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 कहता है कि तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता तुम किस ख्यालों में हो, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पास है तो तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। विंग कहता है हाँ क्यों, तो वांग जी जस विंग को नेक पे बाइट करते कहता है कि सुना तुमने, मैंने कहा तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पास है तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने अल्फा के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि किसी और चीज़ के ऊपर। तो विंग कहता ओ हाँ हाँ ऐसा, तो वांग जी कहते हैं मेरे ऊपर ध्यान दो ना, तो विंग कहता बट मैं तो खाना बना रहा हूँ ना, तो वांग जी कहते हैं ओ तुम खाना बनाओ और मैं तुम्हें खाऊंगा। विंग कहता हाँ तो मैं खाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें खाऊँ, तो विंग जिस हामे से रिलाता है, जिसके कारण हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को देखता है, एक स्माइल करता है और विंग को अपनी ओर मोड़ देता है जहाँ पे सब्जी पक रही थी। जिसके बाद हमारा वांग जी उठाकर विंग को जो गैस उट्टा जो रहता है ना वहाँ पे जाकर उसे बिठा देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के करीब आता है, देन विंग को वहाँ पे ब्रूटली किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो किस करते हुए हमारे विंग के बॉडी को वो जो ना सहला रहा था, पूरी तरह से वो सहला रहा था। और वांग जी ने जो था ना वो विंग के तीन शर्ट की बटन्स को ओपन कर दिया था, देन विंग के चेस्ट को जो ना वो धीरे धीरे सहला रहा था। हाँ, वो स्लोली सहरा रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, ये सारी चीज़ें वो करते जा रहा था। एंड विंग का जो मोनिंग का वॉइस वहाँ पे गूंज रहा था, बस विंग मोनिंग कर रहा था। देन उसके बाद हमारा वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी को सहलाने के बाद वांग जी जो था ना वो बस विंग को उठाता है, वहाँ पे गैस उट्टे से उठाता है। उठाने के बाद जो था ना वो, तो गाइस यहाँ पे ऐसा है ना कि विंग के घर में तीन रूम है, एक बेडरूम है, एक किचन है, एक हॉल है। तो बेडरूम में दो बच्चे सो रहे हैं एंड किचन एंड हॉल इन लोगों के लिए फ्री है। तो हमारा वांग जी विंग को जो था ना वो वहाँ पे लेके आ चुका था सोफे पर लाने के बाद वांग जी वहाँ पे उसे लिटाता है। देन उसके बाद विंग के बॉडी से उसके कपड़े को अलग कर देता है। देन उसके बाद वांग जी खुद भी अपने बॉडी से कपड़ों को अलग कर चुका था। देन उसके बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे सोफे पर लेटा हुआ था, जहाँ पे विंग हमारे वांग जी की तरफ खुद हाथों को अपने आगे बढ़ाता है। खुद अपने हाथों को आगे बढ़ाने के बाद वो
वांगजी विंग के करीब आता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड किस करते हुए हमारे वांगजी के हाथ जो थे ना वो विंग के बॉडी पे घूम रहे थे, खास करके विंग के चेस्ट के ऊपर, एंड देन विंग के बॉडी को वो सहला रहा था। उसके बाद हमारा वांगजी धीरे धीरे जो ना विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है, देन विंग के अंदर जो जो थे ना वो अपने दोनों फिंगर को उसने ऐड कर दिया था, एंड दोनों फिंगर से जो ना विंग को प्रिपेयर कर रहा था। उसके बाद हमारा वांगजी धीरे धीरे विंग को प्रिपेयर करने के बाद वो हमारे विंग के अंदर अपने लोअर पार्ट को डाल देता है, जिसके कारण विंग को तकलीफ़ हो रही थी, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा मोर्निंग कर रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसके बाद हमारा वांगजी जो था ना वो विंग के बॉडी के ऊपर पूरा वेट देकर विंग के साथ इंटीमेट होना वो स्टार्ट कर चुका था, और इन लोगों का हॉट से राउंड ऐसे ही स्टार्ट हो चुके थे। अगर पूरी तरह से आप इन हॉट से राउंड को सुनना चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट पार्ट में दो तीन लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप थोड़ा तो एक्सप्लेन करो। गाइस, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा बहुत जैसे नॉर्मल में एक्सप्लेन कर दूंगी जैसे अभी किया है, बट मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इससे जो है ना स्ट्राइक आने का खतरा रहता है, क्योंकि मेरे जो पहला चैनल है ना वांगशन हॉट एफएफ, तो वहाँ पे एक स्ट्राइक आया है, क्योंकि इसके कारण ही मुझे स्ट्राइक आया, और मैं फिर से अपने नए दूसरे चैनल पे कोई भी स्ट्राइक नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं 18+ सीन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और मुझे पता है कुछ लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर सकते हो टेलीग्राम को, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे एक चैनल बना दूंगी या ग्रुप बना दूंगी, या आप कहो तो मैं व्हाट्सअप पे ग्रुप बना देती हूँ। तो आप लोग बताओ आप लोग क्या ही इस्तेमाल करते हो, तो मैं उसका हिसाब से वहाँ पे ग्रुप बनाऊंगी, एंड देन वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि अगर आप लोगों को सुनना है तो आप व्हाट्सअप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। नॉर्मली इस दुनिया में सारे लोग व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम का भी इस्तेमाल करते हैं, एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक सारी चीज़ों का आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं फेसबुक पे अपलोड नहीं कर सकती, मैं साफ तरह से बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इनमें से कुछ इस्तेमाल करते हो तो कमेंट सेक्शन में घुसा दो, आई मीन से बता दो, तो इसके हिसाब से मैं आगे की प्रोसेस के बारे में सोचूंगी, एंड देन मैं वहाँ पे आपके लिए उसे शेयर कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं वो टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करते करके, ठीक है। मैं यही कहूंगी, देन गाइस मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी कर रही हूँ ना, मुझे वहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ से उठाकर वहाँ पे पैसों के लिए गई हूँ करके, कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे, घंटा कुछ भी नहीं मिल रहा, बट फिर भी मैं वहाँ पे शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 18+ सीन के कारण जो ना मुझे अपने चैनल पे स्ट्राइक मिल सकता है, इसके कारण तो मैं इतना रिस्क लू भाई 18+ सीन को एक्सप्लेन करके, मैं नॉर्मल भी स्टोरी को चला सकती हूँ, बट जिनको सुनना है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, देन फ्यूचर में अगर आप लोगों में से बता देते कि कौन किस पे सुनना चाहता है तो उसके हिसाब से मैं आगे सोचूंगी। बट एक ही चीज़, कोई भी आप इंस्टाग्राम पे हो तो बताओ, एंड देन व्हाट्सएप पे हो तो बताओ, ठीक है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, देन व्हाट्सएप पार्ट सुनना है तो जाओ टेलीग्राम पे, ओके बाय।